गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फोर्थ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कौन से मेटल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से पाए जाते हैं, राइट. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर के कीवर्ड्स. फर्स्ट कीवर्ड हार्ड. हार्ड का मीन्स होता है कठोर, मतलब वह सब्सटेंस जिसको पुश करने में, दबाने में क्या होता है, हमको कठिनाई महसूस होती है, वो क्या कहलाता है, हार्ड. देखो इसका हम मीनिंग देखते हैं. अ सब्सटेंस विच इज सॉलिड, ठोस, रिज्ड एंड नॉट ईजी टू ब्रेक इज कॉल्ड हार्ड. अ सब्सटेंस वह पदार्थ विच इज सॉलिड, जो कि कठोर है, रिज्ड दृढ़ है, एंड नॉट ईजी टू ब्रेक, मतलब जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, हार्ड. क्लियर फर्स्ट कीवर्ड. सेकेंड कीवर्ड इनसॉल्युबल. इन यहाँ पे हम इस चैप्टर में दो पॉइंट पढ़ेंगे. इनसॉल्युबल, सॉल्युबल. इनसॉल्युबल वह होता है जिसमें किसी पानी में या वाटर में किसी चीज़ को घोलने पर वो कम्प्लीटली ना घुले, पूरी तरीके से ना घुले, वो तो क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल. सॉल्युबल वह होता है जैसे किसी पानी में किसी सब्सटेंस को डालने पर पूरी तरीके से घुल जाए, वो क्या कहलाता है, सॉल्युबल. इनसॉल्युबल का मीन्स होता है द मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली आर नोन एज इनसॉल्युबल. वह मटेरियल, वह पदार्थ विच डू नॉट डिजॉल्व, जो पूरी तरीके से घुलित नहीं होते हैं इन वाटर, किसमें, पानी में, आर नोन एज इनसॉल्युबल, उसे क्या बोलेगा, इन सॉल्युबल. की क्लियर. थर्ड लस्टर. लस्टर का मीन्स होता है चमकदार. लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मीन्स शाइन. लस्टर का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की शाइन, मतलब मेटल विच मीन्स शाइन, वह पदार्थ जो शाइन करता है वो क्या कहलाता है, लस्टर. थर्ड कीवर्ड क्लियर. फोर्थ कीवर्ड मटेरियल. मटेरियल मीन्स पदार्थ. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग, वह पदार्थ हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई, हैविंग मास में जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, ऑक्यूपाई जो स्थान घेरती हो, स्पेस आर कॉल्ड मटेरियल्स. वे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपना स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाता है, मटेरियल्स. नेक्स्ट मेटल्स. मेटल्स में धातुएं. मेटल्स आर द मटेरियल विच आर ऑपेक्यू, लस्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स वो होते हैं जो कौन से होते हैं, ओपेक्यू होते हैं. ओपेक्यू मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं, ओपेक्यू. नेक्स्ट लस्टर्स जो चमकदार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लस्टर्स. आर एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से आर पार हो सकती है, आसानी से गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं, वो क्या कहलाती है, कंडक्टर. और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर. क्लियर मेटल्स. नेक्स्ट रफ. रफ का मीन्स होता है खुरदरा. मटेरियल विच हैव अन इवन सरफेस आर कॉल्ड रफ. वे पदार्थ जिसकी सतह समतल नहीं होती, मतलब जिसकी सतह समान नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, रफ. क्लियर फर्स्ट टू सिक्स कीवर्ड. वापस रिपीट करिए फर्स्ट टू सिक्स कीवर्ड. फर्स्ट कीवर्ड हार्ड. वह सब्सटेंस जिसका हमें पुश करने में कठिनाई महसूस होती है, वो क्या कहलाता है, हार्ड. सेकंड इनसॉल्युबल. वह मटेरियल है, वे पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर वो घुलित ना, मतलब घुले ना, वो क्या कहलाता है, इनसॉल्युबल. नेक्स्ट लस्टर. वे मटेरियल जिसका प्रॉपर्टी क्या होती है, शाइन करना होती है, वो क्या कहलाती है, लस्टर्स. नेक्स्ट मटेरियल. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई, मतलब वे पदार्थ जो क्या होते हैं, मास जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो स्थान घेरते, वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल. मेटल. मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जो लस्टर्स होते हैं, चमकदार होते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते, एंड गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिसमें से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से निकाल सकते हैं, प्रवाहित करा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स. नेक्स्ट है रफ. रफ का मीन्स क्या होता है, वे मटेरियल जिसकी सतह अनइवन होती है, मतलब समतल नहीं होती, समान नहीं होती, वो क्या कहलाती है, रफ. क्लियर फर्स्ट टू सिक्स कीवर्ड. नेक्स्ट कीवर्ड हमारा ओपेक्यू. ओपेक्यू मीन्स अपारदर्शी, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ओपेक्यू. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था, ओपेक्यू का मीन्स क्या होता है, अपारदर्शी, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते, जिससे हीट भी आर पार नहीं हो सकती, राइट. ओपेक्यू का मीन्स होता है द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट सीन. क्या कहते हैं, द मटेरियल थ्रू विच कैन नॉट सीन और द मटेरियल्स.
वे मटेरियल्स जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं? ऑपेक। विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, लाइट टू पास थ्रू दैम, जिसमें से लाइट भी आर पार नहीं हो सकती, मतलब पास नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं? ओपेक्यू कहलाते हैं। राइट, ओपेक्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपारदर्शी, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हो, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू। सेवंथ कीवर्ड क्लियर। एट्थ कीवर्ड सॉल्यूबल, मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। इनसॉल्यूबल का मीन्स होता है जिससे किसी सब्सटेंस को वाटर में घोलने पर वो घुले ना, वो इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल वह पदार्थ जिसमें पानी में डालने पर वो घुल जाए पूरी तरीके से, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूबल। द मटेरियल्स विच कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर, वे मटेरियल जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूबल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मीन्स होता है पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट का मीन्स क्या होता है? पारभासी, जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैन नॉट बी सीन क्लियर, जिसमें से हम आर पार साफ नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर हुआ? ट्रांसल्यूसेंट क्या कहलाता है? वे मटेरियल जिसमें से हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली साफ तरीके से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मीन्स क्या होता है? परिभाषक भी बोल सकते हैं, जिसे द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। राइट, वे मटेरियल जिससे हम आर पार देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ आर पार देख सकते हैं, एज ग्लास, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। आपको तीनों में डिफरेंट क्लियर हुआ? ओपेक्यू का मीन्स होता है वे मटेरियल जिसमें से हम आर पार देख ही नहीं सकते हैं, वो तो क्या कहलाता है? ओपेक्यू। ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ तरीके से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? ट्रांसल्यूसेंट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वे मटेरियल जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट टू टेंथ कीवर्ड क्लियर। अब और इसमें क्या पढ़ाना है? सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल वे मटेरियल जिसमें सबसे इजी तरीका सॉल्यूबल का, द मटेरियल विच कैन कम्प्लीटली डिजोल्व इन, वे मटेरियल जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है वो तो सॉल्यूबल, और वे मटेरियल जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता वो क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल। क्लियर। और ट्रांसपेरेंट का मीन्स क्या होता है? जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ तरीके से नहीं देख सकते हैं। ओपेक्यू जिसमें से हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ओपेक्यू। राइट, फर्स्ट टेंथ कीवर्ड क्लियर।